गोलाकतानी समाचार बक्सर से बा रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी। दिन दहाड़े आभूषण दुकानदार के हथियार के बल से पीट के 1,00,000 के भई लूट। खबर का बा विस्तार से जानी। नगर थाना क्षेत्र के यमुना चौक पे शनिचर के सुबह दुकान से पैसा निकाले आई एगो आभूषण दुकानदार के हथियारबंद अपराधी हथियार के बल पे 1,00,000 के आभूषण समेत कई गो सामान लूट लेलन। दुकानदार घटना के विरोध करत रहन तो दुकानदार के जम के पिटाई कैल गई। घटना के अंजाम देला के बाद अपराधी फायरिंग करत भागे में सफल रहलन। घटना के सूचना मिलते नगर थाना के पुलिस मौका पे पहुंच के जख्मी व्यक्ति के इलाज खातिर सदर अस्पताल में भर्ती करा दिलस, जहां इनकर इलाज चल रहा बा। ओजी अपराधी के गिरफ्तारी खातिर लेके छापामारी चलता। बतावल जाता कि यमुना चौक के रहे वाला दीपक कुमार शर्मा शनिचर के सुबह अपना दुकान से पैसा निकाले खातिर आई रहन, जहां वो दुकान में घुस के पैसा निकालत रहन। यही बीच आधा दर्जन अपराधी हथियार से लैस होके मौका पे पहुंच गए हैं आ पैसा के मांग करे लगलन। पैसा के मांग होत देख दुकानदार दीपक कुमार वर्मा ई लोग के विरोध करे लगलन। विरोध होत देख अपराधी हथियार से दीपक कुमार वर्मा के जम के पिटाई कैले। एकरा बाद अपराधी दुकान में रखल करीब 1,00,000 के आभूषण यानी गहरा गुड़िया समेत कई सामान लूट लिहल है। घटना के अंजाम देला के बाद अपराधी दहशत फैलावे खातिर हवाई फायरिंग करत भागे में सफल रहलन। घटना के सूचना मिलते नगर थाना के पुलिस मौका पे पहुंच के मामला के जांच में जुट गए, साथे साथ जख्मी के इलाज खातिर सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया बा। ओजे पुलिस घटना स्थल से एगो खोखा एगो जिंदा कारतूस बरामद कैले बिया। फिलहाल पुलिस के अपराधी खातिर लेके छापामारी करतिया। यमुना चौक व्यस्तम एरिया हटुए पुलिस के चाही कि यह मामला में अगल बगल के CCTV फुटेज खंगाले के चाही, ताकि ऐसन मन बढ़ू अपराधी के गिरफ्तार कर जा सके। अगर पुलिस CCTV के बारीकी से खंगारे शुरू करी हर एरिया के चारों तरफ के जौन जौन CCTV कैमरा लागल बा, तो या तो गाड़ी अपराधी लेके आई हुई उससे पहचान में आ गई हैं, या फिर अगर वो दुकान में ही CCTV लागल हुई तो ये अपराधी गिरफ्त में हो गई हैं। पुलिस खातिर खुला चुनौती ई देले बने अपराधी। एगो दिन दहाड़े सुबह में अपराध के घटना के अंजाम दे देले बने। आखिरकार इतना सुबह अपराधी आइल बने कहीं ना कहीं सटीक जानकारी देवे वाला देले हुई, तबे जाके ये तरह के घटना के अंजाम दिहल बटुए। पुलिस के करीबी से भी पूछताछ करे के चाही, काहे से कि इतना सुबह भी दुकान खोल के पैसे मिलावत रहे तले अपराधी आ जाता रहन। एकर मतलब बटुए कि अपराधी के सटीक सूचना रहे। पुलिस के पे गहनता से छानबीन कर के अपराधी के ललकी कोठरी में ढुकावे के चाही। अब लॉकडाउन के भी ई लोग डर ना रहे, ई लोग के डर ना रहे कि पुलिस आई सटीक जानकारी देखे से लागत है। खबर के शेयर लाइक सब्सक्राइब करी।